नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में Oppo Reno 2 के ऊपर, जो काफी बढ़िया फोन है। और इसमें अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो में हम इसके फीचर्स एंड डिटेल्स को। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। काफी हैवी पैकिंग में है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि सिल्वर कलर में है और काफी बड़ा इसका पैकेट जो है दोस्तों, और मोबाइल की तुलना में बहुत बड़ा है। क्योंकि इसका जो कैमरा है पॉपअप कैमरा है, कैमरा जब सेल्फी आप लेते हो, सेल्फी के टाइम ये कैमरा ऑटोमेटिक अंदर से बाहर निकल जाता है और फिर जब सेल्फी क्लिक करने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल प्लेस में चला जाता है। तो इसी वजह से इसका जो कैमरा, ये जो पैकिंग का साइज भी है वो बड़ा है, क्योंकि इसका कैमरा जो ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्सिंग करके। काफ़ी बढ़िया है, देखिए आप सिल्वर कलर में है Reno 2, और ये काफ़ी नामी फ़ोन है और काफ़ी चर्चा में है ये फ़ोन, क्योंकि इसका रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं, इसमें एक यूज़र मैनुअल का मिला है, देखिए वाइट कलर में ये जो Reno 2 लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें काफ़ी बढ़िया इसका जो साइज़ है दोस्तों, काफ़ी ठीक है, मतलब नॉर्मल साइज ही है। और आप देख सकते हैं मतलब बहुत बढ़िया हैवी पैकिंग में आया गया, एक हाथ से निकल नहीं रहा है दोस्तों। तो देखते हैं निकाल कैसे फिर से। तो देखते हैं इसके पीछे कैसा डिज़ाइन है, डिज़ाइन आगे का तो लगभग नॉर्मल मोबाइल की तरह ही लग रहा है। अब पीछे देखते हैं तो पता चलेगा कि कैसा पीछे से डिज़ाइन है। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, सिल्वर कलर में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पीछे गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है और प्रोटेक्टिव ग्लास है, ताकि वो गिरने के बाद भी आपका मतलब क्या है, जल्दी टूटेगा नहीं। और उसमें अगर कैमरा मान लीजिए, अगर आप खींचते हो फोटो, तो गिरते समय भी वो कैमरा ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, नीचे गिरने के बाद भी जो कैमरा बाहर निकलता है सेल्फी के टाइम में। तो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर जो है दोस्तों, देख सकते हैं आप यूज़र मैनुअल है, और साथ में आपको यूज़र मैनुअल के साथ वारंटी कार्ड भी इसमें आ जाता है दोस्तों। तो चलिए, ये तो रही बात यूज़र मैनुअल और सेफ्टी गाइड मतलब वारंटी कार्ड की, तो आप देखते हैं इसके डब्बे में और क्या क्या आपको मिलता है। इसका बैक कवर देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया पीछे से लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि हैवी होगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर जो बैक कवर आते हैं वो प्लास्टिक वाले होते हैं, बहुत ही लूज होते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी है सर, प्रोटेक्टिव के मामले में बहुत ही काफ़ी है। और इससे आपको फ़ोन को बहुत ही मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी, खास करके जब गिरते वक्त। और ख़ास बात है इसमें दोस्तों एक चीज़ कि इसमें आपको एयरफोन मिल जा रहा है, काफ़ी बढ़िया जो ओप्पो का ब्रांडेड एयरफोन है इसी के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया महंगा वाला एयरफोन है, काफ़ी बढ़िया इसका क्वालिटी होता है दोस्तों, नॉइस कैंसिलेशन वाला एयरफोन मिलता है आपको इसमें। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एक USB केबल दिया है जो फास्ट चार्जिंग के लिए है, सी टाइप का कनेक्टर इसमें लगा हुआ है और काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये बहुत ही हैवी है दोस्तों। साथ में आप देख सकते हैं ये फास्ट चार्जिंग वाला एडाप्टर इसके साथ है, और काफ़ी इसका वेट भी काफ़ी है, वाइट कलर में है, बहुत ही हैवी लग रहा है दोस्तों। और जो इसका आउटपुट है दोस्तों, वो आपको 4 एम्पियर का आउटपुट मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। और ओप्पो का ब्रांड है तो दोस्तों ऑब्वियसली ट्रस्टेड ब्रांड है, तो काफ़ी बढ़िया है, वेट भी बढ़िया है और चार्जिंग भी जो है आपका मोबाइल बहुत ही जल्दी कर देगा ये, क्योंकि ये फास्ट चार्जर इसमें लगा हुआ है दोस्तों। और इसका जो पैकिंग है काफ़ी शानदार मुझे लगा, क्योंकि इसमें कपड़ा से भी पैकिंग हुआ है। और ये है इजेक्टर पिन जो आपको मदद करेगा आपकी सिम खोलने में और लगाने में। तो दोस्तों देखते हैं, इसे हम रख देते हैं साइड में, जैसे इसका जो चार्जर है इसके इसके जगह में रख देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके फीचर्स एंड डिटेल्स के बारे में भी, और देखेंगे कि इसमें और क्या खास बात है, तो बने रहिए दोस्तों। तो ये है USB केबल का, रख देते हैं इसे, हेडफोन जो एयरफोन है इसका उसके जगह पर रख देते हैं। और अब देखते हैं इसका जो मतलब दोस्तों क्या क्या इसमें दिया हुआ है वो, जैसे कैमरा जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया, इसमें ओप्पो लिखा हुआ है पीछे और बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों। आगे का इसमें प्रोटेक्टिव ग्लास भी लगा हुआ है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए आप पीछे एक स्पीकर का है, और चार्जिंग के लिए आपका या OTG के लिए जो सी टाइप कनेक्टर वाला पोर्ट लगा हुआ है, और जैक लगा हुआ है इसमें एयरफोन के लिए, और साथ में माइक है दोस्तों। और साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाएगा, और अगर इस साइड देखें तो इसमें पावर बटन मिल जाता है, साथ ही में सिम का स्लॉट वाला भी मिल जाता है। और ये है पॉपअप कैमरा जो ऊपर की तरफ खुलता है जब आप सेल्फी खींचते हो। और पीछे का जो कैमरा है दोस्तों, सबसे खास बात है इसमें कि और सारे जो 4 कैमरा वाले फ़ोन आ रहे हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको पीछे बाहर की तरफ लगता है, ये स्लिम है आपका, मतलब थोड़ा भी लगेगा नहीं कि कैमरा है उस पर बाहर निकला हुआ है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया है डिज़ाइन में भी, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये मुझे तो ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, इसका प्राइस जो है 37,000 के आसपास है, आप देख लीजिएगा नेट पे। और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्वाड कैमरा है इसमें, अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा, और इसमें क्या है अल्ट्रा स्टैंड
स्टैंडी वीडियो भी आप ये कर सकते हैं, अल्ट्रा डार्क मोड में ये कर सकते हैं। 65.5 इंच का इसमें स्क्रीन साइज मिल जाएगा आपका, 8GB रैम है, 256GB इंटरनल स्टोरेज है, और साथ में जो बैटरी कैपेसिटी है 4000mAh का है, VOCC बैटरी। और स्लॉट जो है सिम का, दो सिम लगा सकते हैं आप नैनो, और साथ में SD कार्ड भी लगेगा इसमें। काफ़ी अच्छा है ओप्पो का रेनो 2, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।